प्रोग्राम सोच के साथ फहीम फरानी हाजिर खिदमत है। लोग ज्यादा क्या सफर नहीं करते, मतलब सारे कोने आपने इकट्ठे खोद डाले। जब तक आपकी सड़कें नहीं होंगी मुझे बताइए किस स्कूल का किस अस्पताल का फायदा होगा, आप कहाँ पहुँच सकेंगे। तहरीक इंसाफ में उस तरह से फ्रंट लाइन पर नजर नहीं आते, क्योंकि हर तरह के लोग आए हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। नैब एक ऐसा इदारा जिस पर सुप्रीम कोर्ट को खुद एतबार नहीं है। ये JIT भी क्यों बनी थी, इसलिए बनी थी FBI भी सक्सेसफुल ना हुआ, नैब भी सक्सेसफुल ना हुई। ये पार्टी पॉलिसी है कि अब नए इलेक्शंस की तरफ आप जाना चाहते हैं। पार्टी की तरफ से कोई हतमी फैसला अभी तक इसके ऊपर नहीं आया। अदालत उस रिपोर्ट को कबूल भी कर सकती है, अदालत उस रिपोर्ट को मुस्तरद भी तो कर सकती है। पांच में से दो जजेस तो पहले ही अपना फैसला दे चुके हैं, बाकी तीन ने कहा था कि मजीद तसल्ली कर ली जाए। जब आप एक सीट के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको इदारों के साथ मिलकर चलना पड़ता है। अपनी समझ से मेला सारा करप्शन के खिलाफ तरीके इंसाफ में लूट लिया। हम तो मुसलसल मैदान के अंदर मौजूद हैं। 62-63 पे हम फैसला करें तो सिराजुल हक के सिवा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। नवाज शरीफ ना सादिक है, ना अमीन है, ना सगेशियस है, बल्कि वो खाइन है। देखिए प्रोग्राम सोच इतवार से बुध रात 8:10 पर।